अब आप सोच रहे होंगे कि आज शुरुआत में ये तीखी बात की। ये बात इसलिए क्योंकि गुजरात के गोधरा दंगों की एक पीड़ित बिल्किस बानो के दर्द को शायद सिस्टम समझ नहीं सका। दीदी तेरे पार्थ का खजाना, क्या ममता बनर्जी ने आरोपी मंत्री पार्थ चैटर्जी पर कार्रवाई में देरी कर दी। आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। कौन है और इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है, क्या चेन बड़ी लंबी है? इसी बात पर दंगल में 5 बजे चर्चा करेंगे। आज तक पर जरूर जुड़िएगा। बिहार की राजधानी पटना में एक के बाद एक जिस तरह से गोली मारने की घटनाएं सामने आई हैं, उसने नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से आज दंगल में शाम 5 बजे आज तक पर हम सवाल पूछेंगे, कानून व्यवस्था को कायम रख पाना क्या नीतीश कुमार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है? सिस्टम में माफिया, खून खून खाकी। आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। देश भर में क्या माफिया के मन से कानून का डर खत्म हो रहा है? इस पर क्या है आपकी राय, हम तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें हरियाणा और रांची से सामने आई हैं, उसे पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध करके रख दिया है। कौन है जिम्मेदार और माफियाओं पर लगाम कैसे लगेगी? 5 बजे ये जानने के लिए मेरे साथ आज तक पर जरूर जुड़िएगा। आज दंगल में शाम 5 बजे सीधा सवाल पूछेंगे, कब गिरफ्तार होगा गुंडा त्यागी? और इसी के साथ सवाल हमारा ये भी है, क्या छुट भैये नेताओं की गुंडागर्दी आम लोगों पर काफी ज्यादा बढ़ गई है? श्रीकांत त्यागी का जिस तरह का वीडियो सामने आया उसके बाद यही सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक वो गिरफ्त में नहीं आया है, आखिर उसे कौन बचा रहा है? इसी पर पूछेंगे सवाल। 5 बजे मेरे साथ दंगल में आज तक पर जरूर जुड़िएगा। क्या जाति बताकर सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोपों से बचना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर शाम 5 बजे दंगल में होगी बड़ी चर्चा। मेरे दो अनमोल रतन सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया कुछ इसी अंदाज में, अरविंद केजरीवाल सामने हैं, लेकिन सीबीआई जांच की आंच जिस तरह से दरवाजे तक पहुंची है, सच कैसे आएगा सामने? 5 बजे करेंगे चर्चा, मेरे साथ जरूर जुड़िएगा आज तक पर। अभी और तो नहीं चाहिए आपको, इतना ठीक था? और चाहिए होगा तो प्लीज बता दीजिएगा।